शुक्रिया। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी चार दिन। आप लोग चार दिन से हैं यहाँ, बड़ी हिम्मत है। और उर्दू कॉन्फ्रेंस का मजा ही यही है कि रोजाना हुजूम बढ़ता जाता है। अहमद शाह को मैं शाह साहब कहता हूं। उनका पूरा नाम है मोहम्मद अहमद शाह। मोहम्मद नाम के साथ ना होता तो मैं डिप्टी अहमद शाह रंगीले कहता। शायरी का शौक, मौसीकी का शौक, मुसव्वरी के आशना, घुमाने और फिरने के दिलदादा, सियासत से रख रखाव और फिराक साहब की तरह दोस्त के रुतबे का पासदार। अपनी मेहनत और मोहब्बत से कराची आर्ट काउंसिल की गिरती हुई इमारत को फिर से खड़ा कर दिया। शाह साहब मुझे अनवर भाई कहते हैं। अदबी कॉन्फ्रेंस को अपना बच्चा समझते हैं, हर साल इंतजार करते हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो हो ही जाता है। इस अदबी हंगामे को 14 बरस हो चुके हैं। ये 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस है। 14वीं सुनकर मैं समझा शाह साहब इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन को गालिब के नाम कर देंगे। गालिब के बगैर 14वीं की क्या हैसियत, गालिब के बगैर 14वीं की क्या हैसियत। जिया मोहिद्दीन साहब गालिब के खतूत, लंबे कान लंबी नाक, बड़ी भवें और कई दिल, जहरा निगाह, घर और गालिब, किश्वर, गालिब के हुकूक और औरतें, इफ्तिखार आरिफ, अबू गालिब, गुलजार, नई दिल्ली में उर्दू का पुराना मजार, जावेद सिद्दीकी निजात का तालिब, शाह साहब कोठे को कोठी बना दिया। मैं क्लोजिंग करता गालिब के बोसे, 28 शेरों में कोशिशें नातमाम, मगर ऐसा हुआ नहीं। शाह साहब कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 10 दिन पहले बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। मैं दफ्तरी औकात की बात कर रहा हूं। 7 दिन पहले सर खुजाना और बाल नोचना शुरू कर देते हैं। 2 दिन पहले बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। 3-4 फेरे मेरे घर के लगाते हैं। अब जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं ये सच है। थोड़ा बहुत इजाफा अपनी तरफ से करना चाह रहा था, नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी। परेशानी का आलम देखें, मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछ रहे हैं, अनवर भाई आप हैं? सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए अनवर भाई। शाह साहब बैठ तो जाएं, कौन मर गया, कौन क्या मतलब अनवर भाई, सब मर गए। और तो और शमीम हनफी भी मर गए। आपने शमीम हनफी को बुलावा भेजा था? कैसा बुलावा अनवर भाई, वो मर गए? देखिए, मुसलमान शमीम हनफी को वबा कोविड से मरे, वबा से मरने वाले शहीद कहलाए जाते हैं। कराची के हर घर से शमीम हनफी निकल सकते हैं, आप दावतनामा तो भेज के देखें। अनवर भाई आप मेरी कॉन्फ्रेंस को सियासी रंग ना दें, बहुत परेशान हूं, सब मर गए। शाह साहब परेशान ना हो, अदब भी मर गया है। अनवर भाई उर्दू नहीं मर सकती। आप सियासी लीडरों की उर्दू में तकरीरें सुनते हैं, अनवर भाई तलफ्फुज मर सकता है, उर्दू नहीं मर सकता। आपको कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग करना है। इस दफा आप किसी और से क्लोजिंग करवा लें। मैं कॉन्फ्रेंस को क्लोज करना नहीं चाहता अनवर भाई। शाह साहब थकन साथ नहीं दे रही है, अगले साल वादा करता हूं क्लोजिंग कर दूंगा। आप 81 बरस क्रॉस कर चुके हैं, इसी साल कर लें। ये काम 5 सालों से आप ही कर रहे हैं। मैंने अखबारों में पाओ पाओ पेज के इश्तहार छपवा दिए हैं, पाकिस्तान के 75 साल और अनवर मकसूद। शाह साहब विफाकी और सूबाई हुकूमत के पूरे पूरे पेज के इश्तहार छपते हैं, कोई नहीं पढ़ता, पाओ पेज कौन पढ़ेगा। अनवर भाई सबको बता चुका हूं, तकदीर उमम क्या है? नहीं अनवर भाई, आप और आपके खानदान ने पाकिस्तान को 75 बजर गुजारते देखा, अपने खानदान और पाकिस्तान पर बात करें। शाह साहब अपने खानदान पर बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरे खानदान ने क्या किया? जिन खानदानों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, जिन खानदानों की वजह से आज हम पहचाने जाते हैं, जिन खानदानों की वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए, उन पर बात करना चाहिए।
अनवर भाई वो कौन से खानदान है? चाचा भुट्टो खानदान, शरीफ खानदान और फौज खानदान। अनवर भाई ये अदबी कॉन्फ्रेंस है, गुफ्तगू का ताल्लुक अदब से होना चाहिए। चाचा आप हमारी फौज का अदब करते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर इसका मतलब है कि फौज का ताल्लुक है अदब से। अनवर भाई आप टेप तो नहीं कर रहे? नहीं चाचा। अनवर भाई जो अदब डर के मारे तहरीर किया जाए वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। क्या बच गया? 7:45। शाह साहब अनवर भाई गालिब का एक शेर सुना दो। साकी बहारे मौसम में गुल है सुरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। और माफ कीजिएगा शाह साहब, बातों में ध्यान ही नहीं रहा, सारा सामान रखा हुआ है। बर्फ नहीं है अनवर भाई। शाह साहब आप गुलदान में हाथ डाल रहे हैं, बाल्टी उल्टे हाथ पर है। अनवर भाई 10 भाई बहन सब ने इस मुल्क की खिदमत की। शाह साहब 10 भाई बहन थे, अब 4 रह गए, 2 बहनें 2 भाई। ऐसी बात ना करें अनवर भाई, अल्लाह और देगा। शाह साहब मां बाप भी चले गए। अनवर भाई औलाद अच्छी हो तो मां बाप खामोशी से निकल लेते। आपकी कोई किताब भी नहीं है, अपनी सरगुजश की तरह सुना दें। शाह साहब 9 नवंबर को इकबाल पैदा हुए थे, 25 दिसंबर को कायद पैदा हो जाएंगे। मैं इन दोनों पर बात कर लूंगा क्योंकि 75 बरस इन दोनों के थे। अनवर भाई ये दोनों तो हर साल पैदा होंगे, मेरी बात माने इस दफा अपनी सरगुजश। क्या साहब कैसी सरगुजश? मैं के मेरी गजल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुजश खोए हुओं की जस्तजू। देखें 10 सेकंड में आपने इकबाल को भुगता दिया, अब कायद की 1-2 लाइनें सुनाकर उनको निपटा दे, फिर अपनी कहानी। ऐसा कौन सुनता है कहानी मेरी और फिर वो भी जबानी मेरी? अनवर भाई सब सुनेंगे, पानी खत्म हो गया। शाह साहब आपके साथ वाली मेज पे जग रखा है, बहुत पुराना लग रहा है। जी हाँ मेरी परनानी का है, 75 साल से ज्यादा पुराना, चांदी का है। शाह साहब मैं पाकिस्तान और जग पर बात करूंगा। पाकिस्तान और जग 75 साल। अनवर भाई क्लोजिंग को संजीदा होना चाहिए, आपकी तकरीर में हमेशा मजाक का एक मजाक के साथ एक दर्द होता है। जग और पाकिस्तान ये क्या बात हुई? चले शाह साहब मैं दर्द के शेर से अपनी तहरीर शुरू करूंगा। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। नहीं अनवर भाई आप और आपके खानदान के 75 साल मेरे खानदान को बख्श दें शाह साहब। अनवर भाई बख्शने वाला तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ प्रमोट कर सकता हूं। यूं करें थोड़ी देर कॉन्फ्रेंस को भूल जाएं, आप हाल ही की बहुत तारीफ करते हैं उनके 3-4 शेर सुना दें। सुनिए, जिसको गुस्से में लगावट की अदा याद रहे, जिसको गुस्से में लगावट की अदा याद रहे, आज दिल लेगा अगर कल न लिया याद रहे। अनवर भाई जुर्रत का रंग है इस शेर में, बहुत अच्छा शेर है, कमाल है, मेरी नजर से नहीं गुजरा। आप हंस क्यों रहे हैं? शाह साहब आपकी जबान से पहली मर्तबा नहीं गुजरा सुनकर हंसी आ गई, वरना आपकी जबान से हमेशा मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरी सुना। अनवर भाई वो मैं किसी रुबाई के लिए कह रहा हूंगा, और हाल ही सुनाए।
पहले मैं आपको गालिब का एक शेर सुना दूं, जरूर शाह साहब जरूर सुनाए। जिंदगी में भी रहा जौके फना का मारा, नशा बख्शा गजब इस सागर खाली ने मुझे। शाह साहब आपका घर है, खाली को खुद पुर कर लिया। खाली को मैं देखता हूं, आप खाली सुनाए। यारब इस इख्तलात का अंजाम हो बखैर, यारब इस इख्तलात का अंजाम हो बखैर। हाँ उनको मुझसे रब मगर इस कदर कहां। अनवर भाई, माँ बाप ने इनका नाम अल्ताफ हुसैन क्यों रखा? शाह साहब ये एमक्यूएम से बहुत पहले पैदा हुए थे। अब वो अगला सा इल्तिफात नहीं, जिस पे भूले थे हम वो बात नहीं। बात क्या है कि तूने हाली आज बख्शवाया, कहा सुना तूने। शेर व शायरी की बात इसलिए कर रहा हूं, आप नॉर्मल होकर फिर कॉन्फ्रेंस की तरफ लौट आए। कितने दौर से होती हुई गजल हाली तक पहुंची। सर वली दख्ती का दौर, मीर सौदा दर्द और सोस का दौर, जुर्रत इंशा और मुसफी का दौर, गालिब मोमिन जौक का दौर, नासिक और आतिश का दौर, अमीर और दाग का दौर, फिर गजल हाली और शाद अजीमाबादी तक पहुंची। उसके बाद हसरत असगर जिगर फानी और इकबाल। शाह साहब अजान हो रही है। अनवर भाई गालिब के शागिर्द का शेर है, हौज कौसर पे जा निकलता है यही रास्ता शराब खाने का। क्लोजिंग आप और आपके खानदान पर इन 75 बरसों में क्या गुजरी। शाह साहब मैंने एक नज्म लिखी थी, वो सुना दूं? कबाब अनवर भाई के नज्म का उनवान है। शाह साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले क्लोजिंग की हां हो जाए फिर कबाब। 50 बरस पहले इन लिखी हुई मेरी नज्म। हम पे जो गुजरती है वो किसी को क्या मालूम, हम तो अपने सारे दुख खुद ही झेल लेते हैं और अपनी खुशियां भी खुद ही बांट लेते हैं। दर्द और गम की रातों में मिलके बैठ जाते हैं, आंसुओं की मिशल से रोशनी बढ़ाते हैं। छोटी छोटी उम्मीदें और कुछ सुहाने ख्वाब मिलके देख लेते हैं। हम किसी सहारे के मुंतजर नहीं रहते, अपने दिल के दागों पर मरहमे मोहब्बत भी खुद लगाते जाते हैं, अपने दुख की दिलदारी खुद ही करते रहते हैं, उलझे सुलझे रिश्तों की डोर बुनते रहते हैं। हाथ खाली हों तो क्या, दिल भरे ही रहते हैं, मौसम खिजा में भी हम हरे ही रहते हैं। दर्द सहना पड़ता है फिर भी कहना पड़ता है, ये जमीन अपनी है आसमान है अपना, आसमान के ऊपर पासबान है अपना। हम पे जो गुजरती है। शाह साहब नाकामियां ही नाकामियों से परेशान नहीं होना चाहिए, हम लोग भी नाकामियों से परेशान नहीं हुए, बड़े सलीके से इस सरजमीन से मोहब्बत करते रहे। मालूम था नाकामियां ही काम दिलवाती हैं। मीर ने कहा था, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। नाना ने मेरी वालदा से कहा था, बेटी तुम्हारे 10 बच्चे हैं, किसी की कहावत है वही मैं तुमसे कह रहा हूं, कोशिश करना तुम्हारे बच्चे कोई ऐसा काम करें जिसके बाद उनको अपना तारुफ करवाने की जरूरत ना पड़े। नाना और वालिद के इंतकाल के बाद वालदा ने हमको बिखरने नहीं दिया, हमेशा एक ही बात कहती थी, अपनी तारीख अपने कल्चर और अपने अदब से कट मत जाना, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। फातिमा सुरैया बजिया, फातिमा सुरैया बजिया हो गई, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हिलाले इम्तियाज, जापान का सबसे बड़ा अवार्ड, दुबरापा मिसेस काजमी हो गई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मशहूर डिजाइनर, सारा आपा सारा नकवी हो गई, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी की जानी पहचानी आवाज, साइंस पर किताबें लिखी, प्रोफेसर अब्दुल सलाम की शागिर्द, जहरा आपा जहरा निगाह हो गई, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारे इम्तियाज, अल्लामा इकबाल मेडल,
अहमद मकसूद हमीदी सिंध के चीफ सेक्रेटरी बन गए, अंग्रेजी उर्दू फारसी पर उबूर, बहुत पढ़े लिखे। छोटी बहन जुबैदा तारिक हो गई, मुल्क के हर बोर्चे खाने में मौजूद। मुझे भी कई तमगे मिले, मगर इन 75 बरसों में जो मोहब्बत आप लोगों से मिली, उनके सामने तमगों की कोई हैसियत नहीं। मेरे बेटे और बेटी बिलाल और अर्जुबंद को मेरी बीवी इमराना स्कूल पैदल छोड़ने जाती थी, जो मेरे क्वार्टर से 3 मील दूर था, दोपहर में वापस भी लाती थी। आज बिलाल के दोनों बेटे मिकाइल और खजर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब अर्जुमन की दोनों बेटियां वैंकूवर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। ये सब कुछ इस सरजमीन से मोहब्बत का नतीजा है। अनवर भाई, यही सब कुछ सुना दीजिए, आप उर्दू कॉन्फ्रेंस की जिंदगी हैं, कैसी जिंदगी शाह साहब? मुझसे मत कह तू हमें कहता था अपनी जिंदगी, जिंदगी से भी मेरा जी इन दिनों बेजार है। ये गालिब है? जी हाँ, 2-3 शेर गालिब के और फिर कबाब। गो वहां नहीं तो वहां के निकाले हुए तो हैं, गो वहां नहीं तो वहां के निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों की भी नस्बत है दूर की। अंदर भाई, ये शेर कहां से निकाला? कुलियात मोमिन से। शाह साहब, गालिब की किताब नुस्खे हमीदिया में है, और सुनाए। शोकी हुस्न इश्क है आईना दारे हम दिगर, शोकी हुस्न इश्क है आईना दारे हम दिगर, खार को बेनियाम जान हमको बरहना पास समझ। वाह मिर्जा वाह अंदर भाई, जोशे दिल है मुझसे हुस्न फितरत बेदिल न पूछ, कतरे से मैं खाने दरियाए बे साहिल न पूछ। वाह वाह, ये सारे शेर सुना दीजिएगा, कतरे से मैं खाने दरियाए बे साहिल न पूछ। शाह साहब, आपका फोन। हेलो, इसको बोल दो कॉन्फ्रेंस में बैठने की जगह नहीं है, गजल सुनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाजिर है? अच्छा, कह दो कल सुबह मिल ले। मैं जानता हूं कौन है। कौन था शाह साहब? अनवर भाई, महाजिर शायरों से 2 मिनट बात करो लगता है कोविड का टेस्ट हो रहा है, नाक में दम कर देते हैं। फेडरल बेरिया का शायर है, हिजरत पर शायरी करता है। शाह साहब, आलमी मुशायरा है, फेडरल बेरिया के बजाय कह दें कानपुर से तशरीफ लाए हैं। हिजरत पर शेर कहने दें, हम रियासत मदीना बनने वाले हैं, 23 करोड़ हिजरत के लिए तैयार बैठे हैं। शुक्रिया।